हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की। मैं तो दोस्तों नए अपडेट के साथ हाजिर हूँ। और आज जो था आपका नवार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रीलिम्स 2018 का एग्ज़ाम और आपका एग्ज़ाम एनालिसिस और रिव्यू आ चुका है। और आज था 29 सितंबर और क्या क्वेश्चन पूछे गए दोनों शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या डिफरेंसेस रहे दोनों शिफ्ट में, और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ आपको इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात होगी कि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, टोटल जो सीट्स है यहाँ पे बात करते हैं, कुल सीट 62 सीट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 42 था, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 5 सीट, काफ़ी कम थे। चलिए, 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पे क्वांट में थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन था इसका, और रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, ठीक है, पूछे गए। मीन्स के 40, 30, 70, 30, 100, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए पूछे गए थे, ठीक है। और इस लिहाज से देख सकते हैं कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है, तो ऐसे में आशा कर सकते हैं कट ऑफ थोड़े हाई जाने के चांस हैं, ठीक है। चूँकि आपका पेपर भी आज का बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था, तो चलिए आते हैं आगे स्लाइड पे कि देखिए अब यहाँ पे लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है। अगर ओवरऑल एवरेज ऑल एंड एवरेज स्टूडेंट की बात किया जाए तो लोगों ने 75, ठीक है, प्लस एवरेज स्टूडेंट ने 75+ अटेम्प्ट किया, लेकिन जो 20% ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने 80+ अटेम्प्ट किया है, तो कुल मिला के देखा जाए कि 70 से अबव सभी ने, लगभग 95% स्टूडेंट 75 से अबव जो है कि स्कोर करके आ रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 28 से 33 का गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। रीजनिंग की बात करें तो 24 से 27, ठीक, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन थे और इसमें ये 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, और इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में 30 में जो है कि 24 से 27 का गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। क्वांट की बात करें तो 19 से 21 के अटेम्प्ट माना जा रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो उन्होंने लगभग इस सेक्शन में 25 भी करा और करके आए भी, ठीक है। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 71 से 81 मिनिमम, 71 और मैक्सिमम 81, तो मिनिमम 71 उन लोगों के लिए यार एस सी एस टी वाले के लिए, बाकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 81 80+ का होना चाहिए, ठीक है, 80+ का गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, और एस सी एस टी वाले के लिए यार 70+ गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, तभी बात बनेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि शिफ्ट वन में क्या क्या पूछा गया था, यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और ये देख सकते हैं सेक्शन कैसा पूछा गया, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। अब जरा यहाँ पे कंपेरिजन करना कि शिफ्ट वन और यहाँ पे शिफ्ट टू देख रहे हैं, ठीक है। डीआई पूछा गया आपका 5 मार्क्स का, जो कि मॉडरेट लेवल का, ठीक है, यहाँ भी डीआई पूछा गया 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का, ठीक। रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ 5 क्वेश्चन पूछा गया इजी लेवल का, लेकिन यहाँ पे जो है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज ना पूछ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो कि इजी लेवल में इजी में पूछा गया। अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन शिफ्ट वन में आए थे इजी में, और अप्रॉक्सीमेशन इसमें भी पूछा गया, ठीक, जो कि 5 क्वेश्चन इजी में, मीन्स कि अप्रॉक्सीमेशन इसमें भी और इसमें भी, डीआई इसमें भी और डीआई इसमें, दोनों मीन्स कि कॉमन थे। सिंप्लीफिकेशन इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए इजी, लेकिन इसके जगह पे क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 पूछा गया 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के लिए, ठीक है। आइए मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में 10 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट लेवल के पूछे गए, इसमें भी 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, तो कॉमन ये 3 सेक्शन रहा। डिफरेंट क्या रहा, इसमें सिंप्लीफिकेशन पूछ दिया गया, इसमें क्वांटिटी 1, 2 पूछ दिया गया, ठीक। यहाँ पे आपका रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ दिया गया, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ दिया गया, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट टू वाले के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भरे हो सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वांटिटी 1, 2 के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप शिफ्ट टू में अगर पेपर थोड़ा टफ लगे हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुल 30 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे इसमें भी 30 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछा गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से बात है रीजनिंग एबिलिटी में, रीजनिंग एबिलिटी में आप देख सकते हैं शिफ्ट वन के कंपेरिजन करें तो शिफ्ट वन में क्या पूछा गया, ठीक है, बॉक्स पजल 2 सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल पूछे गए। शिफ्ट टू की बात किया जाए, फ्लोर बेस्ड पजल, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल से 15 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट पूछे गए, इसमें भी सेम रहा, कोई डिफरेंट नहीं रहा। इनक्वालिटी से 5 क्वेश्चन इजी में, इसमें भी इनक्वालिटी से 5 क्वेश्चन रहा, तो कहीं से कोई चेंजेस नहीं इसमें भी, ठीक। सिलॉक से आपको 5 क्वेश्चन इजी, इसमें भी सिलॉक पूछे गए हैं, तो देख सकते हैं कि रीजनिंग में अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो कि इजी वे में पूछा गया, यहाँ भी 4 नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन यहाँ पे 1 क्वेश्चन इजी में पूछे गए, तो ये यहाँ पे डिफरेंट हुआ है, ठीक है। अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन पूछे गए इजी वे में, यहाँ पे
इसके यहाँ पे डायरेक्शन से 3 सवाल, अल्फ़ाबेट से 1 सवाल, यहाँ से ये चूज कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन का इसमें सवाल देखा गया। ठीक, बाकी देखो यहाँ पे नंबर बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज रहा है। यहाँ पे एक पूछा गया, यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, डायरेक्शन से इसमें कोई सवाल नहीं था, लेकिन इसमें सवाल पूछे गए थे और चीज़ें कुल मिलाकर सब सेम रही, कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आइए बात करते हैं शिफ्ट 1 में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 7 क्वेश्चन, इसमें भी 7 क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, जो आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रिलेटेड टूरिज्म बेस्ड आया था इसमें, और इसमें डिजिटल ई रिटर्न बेस्ट आपका RC आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्लोज टेस्ट में भी 8 क्वेश्चन, इसमें भी सेम रहा, कोई चेंजेस नहीं था। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस से 5 क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, लेकिन फिलर पूछा गया। ठीक है, एरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे, यहाँ भी पूछे गए। रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 10 क्वेश्चन, इसमें भी पूछा गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं थे। यहाँ पे देखिए जंबल पैराग्राफ, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल पैराग्राफ, यहाँ पे चीज़ थोड़े से डिफरेंट हुए। अच्छा, रीअरेंजमेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन, इसमें डिफरेंसेस देखने को मिला। यहाँ पे पहला जंबल एक नया चीज़ इसमें सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला। तो ओवरऑल सेकंड शिफ्ट में कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि थोड़े से चीज़ें बदली और थोड़े से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टफ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। अब बात करते हैं कि ओवरऑल क्या कट ऑफ जा सकता है। देखो यार, ये मैं अपने अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ इतना जा सकता है, लेकिन कट ऑफ तो इस बार मान के चलो कि हाई होगी, कट ऑफ तो आपका हाई ही होगी, कम तो होगा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे जितने कट ऑफ मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, ये हो सकता है इससे ज़्यादा ही कट ऑफ आ जाए, लेकिन कम का उम्मीद मत रखना, कम का उम्मीद बिल्कुल मत रखना। अभी कुछ दिन पहले आपने NICL का भी देखा पेपर, कट ऑफ 90-80+ गए हैं। ठीक है, अगर बात करें IBPS RRB क्लर्क की बात करें, उसमें भी आपका 70+ कट ऑफ गया, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इसमें भी कट ऑफ आपका 70 से अबव ही रहेगा, उससे नीचे तो होने की सवाल नहीं। फिर भी एक अनुमान के तौर पे कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी की बात करें 70 से 75 का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, OBC का 78 से 72, ST का बात करें 64 से 68, और ST का 62 से 66। तो मान के चलो यार कि 70 से प्लस कट ऑफ जाएंगे, इससे कम तो 100% गारंटी लेता हूँ कि नहीं कम हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, क्लर्कियल लेवल का एग्ज़ाम है, ना कि आपका प्योर लेवल का एग्ज़ाम है। अभी आपने खुद ही देखा होगा, NICL में नोटिस किया होगा आपने। ठीक है, SBI, इवन आप SBI तो छोड़ो, बहुत दूर की होगी, इधर अभी IBPS क्लर्क की बात कर लो, RRB का, तो उसमें भी आप नोटिस किया होगा सभी में कट ऑफ खाए जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट होगा, ईजी होगा, तो कट ऑफ हाई होंगे नेचुरली। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा तो आप लोग, और दिमाग में ये नहीं पा लेना यार कितना पे हो जाएंगे, आप अच्छे करके आ रहे हो, अगर ज़्यादा अटेम्प्ट लिए होंगे 80+ करके आएंगे, 90+ करके आएंगे, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं मेंस के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।